नमस्कार, आज हम आयन थोवन ट्रायंगल को बढ़ाते हैं। तो आयन थोवन ट्रायंगल इज एन इमेजिनरी ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लीड वन, लीड टू एंड लीड थ्री, और ये उनके एक्सिस है। सो इट इज फॉर्म्ड एक्चुअली बाय द लीड एक्सिस ऑफ लीड वन, टू एंड थ्री, ठीक है, विद द हार्ट एट इट्स सेंटर। अब आप ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ये इन्वर्टेड है, तो ये इन्वर्टेड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल का मतलब होता है कि तीनों आर्म्स जो है वो सेम लेंथ की है और ये हार्ट से सेम डिस्टेंस पर भी है, ठीक है। अब और प्लस ये इन तीनों के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। ये किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आयन थोवन ट्रायंगल, इन्वर्टेड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री पे उनके बीच में एंगल है सारी आर्म्स के बीच में, सारी आर्म्स सेम लेंथ की है और ये सब आर्म्स जो है वो ट्राई एक्सियल रेफरेंस सिस्टम बनाती हैं। अब ट्राई एक्सियल रेफरेंस सिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज मैं हार्ट के ऊपर इन सबको ले आऊं, तीनों लीड्स के एक्सिस को, तो जैसे ये लीड वन को मैंने इस पे हार्ट के सेंटर पॉइंट पे पुश कर दिया ऐसे, तो ये जीरो डिग्री हो गया। सो लीड वन इज एट जीरो डिग्री, उसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में उसका पॉजिटिव पोल है जो हम लास्ट टाइम सब डिस्कस कर चुके हैं, और ये लेफ्ट से हार्ट को देख रहा है, राइट। अब मैं लीड टू को मैं ऐसे हार्ट की तरफ पुश कर दूं, तो मैंने ये सेंटर ऑफ द पॉइंट में पुश कर दिया, तो लीड टू 60 डिग्री पे है और इसका एक्सिस है ऊपर से ये नीचे आ रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सिस है इसका और थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, तो ये 60 डिग्री नीचे से हार्ट को देख रहा है क्योंकि नीचे इसका पॉजिटिव पोल है। अब ये लीड थ्री को भी मैंने इसे पुश कर दिया, तो जब मैंने लीड थ्री को पुश कर दिया सेंटर पॉइंट पे, तो लीड थ्री यहाँ पे ऊपर से नीचे इसका एक्सिस है थोड़ा राइट साइड पे, तो ये राइट और नीचे से हार्ट को देख रही है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोल है। तो ये जीरो डिग्री पे लीड वन, 60 डिग्री पे लीड टू एंड 120 डिग्री पे लीड थ्री, ये ट्राई एक्सियल रेफरेंस सिस्टम बन गया, ठीक है। तो इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे हमें फायदा ये होता है आयन थोवन ट्रायंगल से कि हम एक्सिस जो है QRS एक्सिस या P वेव एक्सिस या T वेव एक्सिस, ECG के किसी भी वेक्टर का हम एक्सिस केवल इन तीन लीड से देख सकते हैं, लीड वन टू एंड थ्री से। और एक्सिस जानना क्यों जरूरी होता है? एक्सिस जानना इसलिए जरूरी होता है कि सपोज किसी का बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस है या राइट एक्सिस है तो वो पर्टिकुलर बीमारियों की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो केवल इन बाइपोलर लीड से हमें ये जानकारी मिलती है। सेकेंडली इसका इंपॉर्टेंस ये आयन थोवन लॉ है। वो लॉ क्या है कि लीड टू इज इक्वल टू वन प्लस थ्री, लीड टू इज इक्वल टू वन प्लस थ्री, यानी कि लीड टू में जो वोल्टेज होगा, फॉर एग्जाम्पल ये लीड टू है, ये लीड वन है और ये लीड थ्री है, ऑल इट सपोज ये 7 मिलीमीटर है, ये 5 मिलीमीटर है और ये 2 मिलीमीटर है। सो लीड टू में जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू लीड वन प्लस थ्री, तो लीड वन में 5 है, लीड थ्री में 2 है, इज इक्वल टू 7। और ये है लॉ, लॉ मीन्स इट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। तो इससे हमें ये फायदा होता है कि अगर किसी ने लीड ठीक से नहीं लगाई है तो वो हमें पता पड़ जाएगा। अगर लीड टू का वोल्टेज लीड वन और थ्री के प्लस के बराबर नहीं होगा तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि ये लीड्स ठीक से नहीं लगी है। तो ये आयन थोवन ट्रायंगल का फायदा है कि मिसप्लेस लीड्स का हमें पता पड़ता है। और एक और फायदा है आयन थोवन ट्रायंगल का कि इसी ट्रायंगल की बेसिस पर ये जो तीन लीड्स हैं तो बाइपोलर लीड्स हैं क्योंकि ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड कर रही है। इसी ट्रायंगल की बेस पर यूनिलैटरल लीड्स का निर्माण होता है। हम राइट साइड से अगर एक यहाँ पे सेंटर ऑफ द हार्ट पे डाल दें, ये AVR हो जाता है। AV मीन्स ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, ऐसे ये AVL हो जाएगा, ये AVL, ये हम AVF ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमने ये सब डिस्कस किया है, आई थिंक इतना बहुत है। तो आज आयन थोवन ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम यूनिपोलर लिंकेज डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।